दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आरटीओ की मनमानी से दर दर भटकने को मजबूर हुआ गाड़ी मालिक, कहीं कोई सुनवाई नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या कारण है जो गाड़ी मालिक के लिए आरटीओ की मनमानी बनी सिरदर्द का कारण, बताएंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज में। 25 अप्रैल की ये घटना है। गाड़ी मालिक है अश्वनी, संगरूर पंजाब से है, जिनकी गाड़ी संख्या है PB13BD9955। गाड़ी 24 अप्रैल को राजस्थान के नावा से नमक लोड करके चलती है बद्दी हिमाचल प्रदेश के लिए। ये माल हिंदुस्तान लीवर कंपनी में अनलोड होना था। 24 को गाड़ी निकली और 25 तारीख को अपने सफर के दौरान गाड़ी पहुंची हरियाणा के बरवाला में, जहां आरटीओ द्वारा उनकी गाड़ी को रुकवाया गया और ये कहा गया कि गाड़ी ओवरलोड है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आरटीओ साहब की मनमानी की एक झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। गाड़ी रुकवाई गई, गाड़ी के कागज मांगे गए, जबकि गाड़ी के कागज ऑनलाइन चेक किए जा सकते थे, पर फिर भी कागज लिए गए और ओवरलोड बताकर गाड़ी के कागज जब्त कर लिए गए और ड्राइवर को आरटीओ साहब ने बोला कि ट्रक लेकर पीछे पीछे आइए। अब बरवाला से ये ओवरलोडेड गाड़ी जनाब आरटीओ साहब ले गए मुकला हिसार, जो लगभग 51 किलोमीटर पड़ता है। अब अगर गाड़ी ओवरलोड थी तो इतनी दूर इसी अवस्था में क्यों ले गए। अब अगली प्रताड़ना जो की गई वो ये कि 62,000 का चालान किया। चलिए, ये कानूनी अधिकार है, आपने चालान किया, ठीक है, पर गाड़ी को चालान के बाद एक निजी फैक्ट्री एवरग्रीन सीड कंपनी मुकला के बाहर खड़ी कर दिया गया, जहां गाड़ी की पार्किंग फीस ₹300 प्रतिदिन लगेगी, ये कहा गया ड्राइवर को। अब ये प्रताड़ना है या नहीं, और अहम बात कि गाड़ी के कागज तो जब्त कर लिए गए, चालान ₹62,000 का कर दिया गया, पर उसका भुगतान खड़े पैर करने को कहा गया। और यही नहीं, गाड़ी के कागज जब्त किए पर चालान स्लिप पर नील लिखा गया, यानी ये कि गाड़ी के कागज लिए ही नहीं गए। अब गाड़ी मालिक इसके बाद हिसार कोर्ट में इस केस के लिए कार्रवाई करवा रहा है। यहाँ वहाँ भटकते परेशान गाड़ी मालिक ने संपर्क किया ट्रांसपोर्ट टीवी से और हमें ये सारी बात बताई, और उसके बाद हमने आरटीओ हिसार से इस प्रकरण के ऊपर बात की और जानना चाहा कि किस प्रावधान के तहत या एक्ट के तहत ये गाड़ी जब्त हुई है। तो उन्होंने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 के तहत गाड़ी जब्त की गई है। फिर हमने उनसे कहा कि इस सेक्शन के तहत तो कहीं भी नहीं लिखा कि ओवरलोडेड गाड़ी सीज हो सकती है। फिर जनाब आरटीओ साहब ये धारा वो धारा बताने लगे, पर कोई भी तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाए। फिर हमने कहा कि ऐसी स्थिति में चालान करो, कागज जब्त करो और चाहो तो गाड़ी को ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट भी कर दो, और इन सब के लिए गाड़ी जब्त करना जरूरी नहीं है। तो कहने लगे गाड़ी सीज नहीं करेंगे तो ये चालान नहीं भरेंगे। मतलब कुल मिलाकर अपनी मनमानी करते दिखे आरटीओ साहब। अब ये बिल्कुल असंवेदनशील है कि ऐसे समय में जहां कोरोना महामारी से हर वर्ग हर व्यक्ति प्रभावित और परेशान है, काम धंधे चौपट हैं, ऐसे में इस तरह का अमानवीय रवैया आरटीओ हिसार का निराशाजनक है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ड्राइवर गलत नहीं है या ये नियमों का उल्लंघन नहीं है, पर जरूरी कार्रवाई करिए। अपने अहम को शांत करने के लिए गाड़ी सीज कर गाड़ी मालिक को दर दर भटकने के लिए छोड़ना कहाँ का इंसाफ है, खासकर ऐसे में जहाँ कोरोना महामारी में कोर्ट भी बंद है, पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, गाड़ी मालिक की सिरदर्दी और बढ़ जाती है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूँ ठाकुर प्रसाद, सिंगरा गांव दसकोई तालुका अहमदाबाद गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल जिसका वर्कशॉप नंबर है 90831 90831, सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिक की, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।
ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।